welcome back to my YouTube channel. Those who are new, hi, my name is Anya and my channel's name is A Girl With A Dream. Yes, that is me. And इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि how I edit my Instagram pictures on Lightroom app. So guys, ये question मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जब मैं अपनी pictures Instagram पे post करती हूँ कि आप अपना पिक्चर्स कैसे एडिट करते हो, किस ऐप से एडिट करते हो. और जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं Lightroom पे एडिट करती हूँ, सो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे एडिटिंग करते हैं Lightroom में. मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी जब मैं स्टार्टिंग में Lightroom ऐप मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था, बट somehow आई मैनेज एंड आई लर्न विद माई ओन सेल्फ. सो मैंने सोचा कि जितना भी मैंने सीखा है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. मुझे बहुत सारा तो नहीं पता है, मैं कोई भी प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूँ, बट जो भी मैंने सीखा है मैंने खुद से सीखा है. और उसमें कुछ Lightroom ऐप में कुछ ट्रिक्स वगैरह होते हैं जो सब लोग नहीं समझ पाते हैं. मैं भी नहीं समझ पाती थी क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है. सो गाइस, Lightroom एक ऐसा ऐप है जिस पे अगर आप एडिट करना सीख जाओगे तो आप लोगों की जो भी पिक्चर्स हैं उसमें मतलब बिल्कुल जान आ जाती है. बहुत ही अच्छा एक एडिटिंग ऐप है वो. जो भी मैं टिप्स आप लोगों को बताऊंगी इस ऐप में, उन टिप्स को अगर आप यूज़ करके एडिटिंग करोगे अपने पिक्चर्स की तो आप लोगों की पिक्चर्स अच्छी खासी से एडिट हो जाएगी. सो येस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स मूव इन टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग. ओके गाइस, तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी पिक्चर इंपोर्ट करनी पड़ेगी गैलरी से Lightroom ऐप पे. एंड देन आपके पिक्चर पे जो भी नेगेटिव स्पेस है, जो आपको अपनी पिक्चर पे नहीं चाहिए, आप उसको सिंपली क्रॉप करके रिमूव कर सकते हो. एंड इसमें एक ऑटो ऑप्शन भी है, अगर आप ऑटो ऑप्शन अप्लाई करते हो तो थोड़ी सी पिक्चर करेक्शन हो जाती है इसमें अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. एंड ऑल्सो यू आर वॉचिंग बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट आफ्टर अप्लाइंग ऑटो ऑप्शन. एंड दिस इज द प्रोफाइल ऑप्शन जो कि इसमें इनबिल्ट होता है, जिसमें ऑलरेडी प्रीसेट वगैरह होते हैं, आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो. एंड देन यहाँ से स्टार्ट होता है एडिटिंग प्रोसेस. ये जो फर्स्ट प्रोसेस आप देख रहे हो ये लाइट वाला प्रोसेस है. इसमें जो भी एडिटिंग रहेगा आपको अकॉर्डिंग टू द पिक्चर ही करना पड़ेगा. एक्सपोजर, हाइलाइट्स, शेडोज वगैरह कम करनी है या बढ़ानी है, जो भी इसमें आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे ये आपको अकॉर्डिंग टू द पिक्चर ही जज करके आपको एडिट करना पड़ेगा कि आपको उस पिक्चर पे हाईलाइट कैसा चाहिए, आपको उस पिक्चर पे शेडोज कैसे चाहिए, एक्सपोजर कैसे चाहिए. ये सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंग टू द पिक्चर ही जज करके ये वाले ऑप्शन को आपको अप्लाई करना है. एंड देन सेकेंड ऑप्शन आता है कलर वाला. एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज़ फॉर टेम्परेचर, जिससे आप अपने पिक्चर पे कूल इफेक्ट या वार्म इफेक्ट डाल सकते हैं. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फॉर कलर टिंट, अगर आप अपने पिक्चर पे जैसा भी कलर टिंट करना चाहते हैं आप इस ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन आता है वाइब्रेंस के लिए, आपको अपने पिक्चर पे कैसा वाइब्रेंस चाहिए आप इसमें आराम से एडजस्ट कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फॉर सैचुरेशन. सो सैचुरेशन अगर आप कम कर देते हो तो जो भी पिक्चर्स पे कलर है वो फेड हो जाएंगे. सो अगर आपको फेड वाला इफेक्ट चाहिए तो आप सैचुरेशन कम कर सकते हो. कलर पॉप आउट चाहिए तो आप सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं. एंड इसके ऊपर आप देख रहे होगे एक मिक्स वाला ऑप्शन आएगा. एंड यहाँ से होता है मेन पिक्चर का एडिटिंग. नाउ लिसन केयरफुली, ऊपर आप लोगों को जो भी कलर दिख रहे हैं, ऑरेंज, ब्लू, रेड, येलो एंड सो ऑन, यही वो मेन चीज़ है जिससे आपकी पिक्चर की पूरी काया पलट जाती है. यहाँ पे हमें वन बाय वन हर एक कलर पे जाना है और उसका ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनस एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर और अकॉर्डिंग टू दैट इफेक्ट जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हो अपने पिक्चर के लिए, जो भी प्रीसेट बनाना चाह रहे हो. इन कलर्स से क्या होता है, जैसे कि अगर मेरी पिक्चर पे ब्लू कलर है मेरी जीन्स का, मेरे पैंट का, सो अगर मैं ब्लू कलर इस यानी कि ब्लू वाले ऑप्शन में जाके उसका ल्यूमिनेंस एंड सैचुरेशन एंड ह्यू वगैरह चेंज करती हूँ तो मेरी पैंट का कलर भी चेंज हो जाएगा, जो कि आप अभी देखोगे आगे एडिटिंग में. एंड इसी तरीके से आपको सारे कलर्स को एडजस्ट करना है, जो भी इफेक्ट आपको चाहिए उस कलर में. जैसे मुझे इस पिक्चर पे पेड़ की जो लीव्स थी वो ग्रीन नहीं चाहिए थी अपने इस इफेक्ट के लिए, सो मैंने ग्रीन कलर वाले ऑप्शन में जाके उसका ल्यूमिनेंस, ह्यू, सैचुरेशन वगैरह सब माइनस में कर दिया. अब आप देख रहे होगे कि पेड़ की जो लीव है उसका ग्रीन कलर से पूरा चेंज होके एक अलग कलर आ गया है एंड बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट दे रहा है वो मेरी पिक्चर पे.
एंड यही अगर मुझे ग्रीन पॉप आउट चाहिए होता तो मैं उसका सैचुरेशन ह्यू वगैरह सब बढ़ा देती तो मुझे पॉप आउट ग्रीन मिल जाता। एंड नाउ एज यू ऑल कैन सी मैं ब्लू कलर वाले ऑप्शन पे कर रही हूँ जो कि मेरी पिक्चर पे ज़्यादा है ब्लू कलर, एंड वो भी एडजस्ट हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। एंड ह्यू कम करने पे बहुत भड़कीला सा ब्राइट लग रहा है, बट मैंने सैचुरेशन कम कर दिया तो वो थोड़ा बैलेंस हो गया। एंड ल्यूमिनेंस कम करने पे ये बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट इसने दे दिया है। एंड दिस इज़ हाउ दिस कलर ऑप्शन वर्क्स। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत इससे आइडिया हो गया होगा, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकली एक दो बार एडिट करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है आपके पिक्चर एडिट करने में। And here is the before and after effect, you guys. I don't know why, I'm just loving this brownish kind of tone on my picture. And next option is for effect, जिसमें first option आता है texture का, यानी कि अगर आपको picture smooth texture की चाहिए या थोड़ी सी hard texture की चाहिए आप उस पर adjust कर सकते हो। Next is for clarity, clarity आपको अपने picture पर कैसी चाहिए वो आप adjust कर सकते हो। और इसी तरीके से नीचे काफ़ी सारे option दिए हुए हैं, आप लोग इसको माइनस और प्लस करके अपने पिक्चर पे सूट करने के अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड दिस इज़ हाउ आई एडिट माई पिक्चर। आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही हो तो, मैं कुछ भी ऑप्शन अप्लाई करने से पहले मैं बढ़ा के और कम करके देख लेती हूँ कि मेरी पिक्चर पे क्या सूट कर रहा है एडिट करने पे। एंड अगर वो दोनों ही नहीं सही लग रहा होता तो मैं उस ऑप्शन को टच भी नहीं करती हूँ। एंड येस दिस इज़ हाउ आई एडिट माई पिक्चर्स। एंड आई एम श्योर कि आई एम नॉट दी ओनली वन जो इस तरीके से पिक्चर एडिट करते हैं। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आप भी ये चीज़ करते हो अपना पिक्चर एडिट करते टाइम। एंड जो आप पिरामिड वाला ऑप्शन देख रहे हो, दिस इज़ फॉर डिटेलिंग, यानी कि पिक्चर पे जो भी डिटेलिंग वगैरह चाहिए आप इस ऑप्शन से अपने पिक्चर पे डिटेलिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड या आई एम डन विद एडिटिंग, एंड हियर इज़ द बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट यू गाइज। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो गाइज, यहाँ तक आप लोगों ने सीखा कि हम अपने एक पिक्चर को एडिट कैसे करते हैं लाइटरूम ऐप पे। गाइज, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि हमें ये सारा प्रोसेस हर एक पिक्चर पे एडिट करने के लिए करना पड़ेगा तो आप गलत सोच रहे हो। सारे हमें सिर्फ एक पिक्चर पे ही इस तरीके का एडिट करना है, देन हम उस एडिटिंग को हम सेव कर सकते हैं, अपना खुद का एक प्रीसेट बना सकते हैं। और खुद का एक प्रीसेट कैसे बनाना है वो भी मैंने इस पे बताया है। सो इसके लिए आपको ऊपर तीन डॉट पे क्लिक करना होगा, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट प्रीसेट का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने प्रीसेट का नाम दे देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे यूट्यूब ट्यूटोरियल के नाम से नाम दे दिया है, एंड देन उसको सेव कर देना है। इससे आपका प्रीसेट सेव हो जाएगा, जो आपको प्रीसेट पे जाके मिलेगा। इस पर यूज़र प्रीसेट आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको जो भी आपके सारे प्रीसेट आपने सेव किए होंगे यहाँ पे आपको सारे प्रीसेट मिल जाएंगे। सो गाइस, इस तरीके से आप अपने पूरे प्रोसेस को एक प्रीसेट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे आपको वो सारे स्टेप्स हर पिक्चर पे यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। वन मोर थिंग गाइस, जो सारी पिक्चर्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, हर पिक्चर अलग होती है। सो अगर ये स्टेप अगर आप किसी दूसरे पिक्चर पे अप्लाई करो तो हो सकता है कि वो परफेक्टली उस पिक्चर पे ना जाए। आप थोड़े बहुत स्टेप इधर उधर करके देख सकते हो, यानी कि आप एक्सपोजर कम ज़्यादा करके देख सकते हो, या सैचुरेशन कम ज़्यादा, या फिर ह्यू वगैरह थोड़े बहुत हाइलाइट्स वगैरह कम ज़्यादा करके देख सकते हो, वो पिक्चर पे अप्लाई हो जाएगा। बट येस, ये वाले स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी पिक्चर एक बहुत ही अच्छी टर्न आउट होके आ जाएगी। बट येस, थोड़ा बहुत आप लोगों को इधर उधर करना पड़ेगा स्टेप्स में, पर येस सारी स्टेप्स आप लोगों को दोबारा से नहीं करने पड़ेंगे। इसी तरीके से आप अपने बहुत सारे प्रीसेट बना सकते हो। मैंने भी बहुत सारे अपने प्रीसेट बना के रखे हुए हैं कि अगर मुझे उसी पिक्चर या उसी जैसी पिक्चर के लिए मुझे दोबारा से एडिट करना हो तो मुझे दोबारा से वो सारे स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, मैं फटाफट से वो प्रीसेट अप्लाई कर दूंगी।
एंड हियर इज़ दी अनदर सिमिलर पिक्चर जिस पर मुझे वो इफेक्ट देना है जो मैंने एडिट किया है, बट आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट लेंदी प्रोसेस अगेन. सो मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल के नाम से जो प्रीसेट सेव किया था मैंने उसको अप्लाई कर दिया और एक बार में ही मेरी पिक्चर एडिट हो गई. और इस पर मैंने थोड़ा बहुत एक्सपोजर कम कर दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें ब्राइट लग रहा था. एंड येस, दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ योर प्रीसेट ऑन अनदर पिक्चर्स. एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा हो. अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना. और जो लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आप एडिट कैसे करते हो, तो वो लोग तो प्लीज़ कमेंट कर दो यार, मुझे बता दो कि हाँ मुझे समझ में आ गया. पर्सनल भी DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, बट कमेंट ज़रूर करके जाना. और मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है. एंड येस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये बिल्कुल फ्री है. एंड येस गाइज, आई एम गोना मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय गाइज. देना बिल्कुल फ्री है ये, और आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो मुझे सारे.